24 में आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों पर। शाहपुर प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित शिल्पी भवन में पंचायत समिति के सामान्य बैठक आयोजित। शकुन प्रखंड का 11 परिषद जिला शिल्पी भवन में पंचायत समिति की सामान्य बैठक प्रमुख अंजना कुमारी का अध्यक्षता में हुई। बैठक की शुरू होते ही अधिकारी अनुपस्थिति पर सदन गर्मा गए। दरअसल अंचला अधिकारी डॉक्टर हर्षा कोमल, एमओ नीलम कुमारी, सीडीपीओ कुमारी हेमा, पीएचईडी समेत कई अधिकारी बैठक में नहीं आए। सदस्यों ने आरोप लगाया कि बैठक के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है, जब महत्वपूर्ण विभाग के अधिकारी सदन से गायब रहेंगे तो जनता की समस्याओं का निदान कैसे होगा। इस बात पर सदस्य उग्र हो गए और सीडीपीओ के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित प्रवेशिका को सदन से बाहर कर दिया। सदस्यों ने ये आरोप लगाया कि सदन का कोई गरिमा ही नहीं है, समय पर बैठक ही नहीं होती है, इसलिए दिए गए निर्णय पर कोई कार्यवाही नहीं होती है। अधिकारी मनमानी की हदें पार कर रहे हैं, इसलिए बैठक में ईमो की अनुपस्थिति स्पष्टीकरण का प्रस्ताव लाया गया, लेकिन उन्होंने अब तक उसका कोई जवाब नहीं दिया। पूर्व की बैठक के लिए निर्णय पर बिंदुवार चर्चा भी की गई। बैठक में शामिल प्रखंड विकास पदाधिकारी राजीव रंजन, पंचायती राज पदाधिकारी नीलेश कुमार, मनरेगा पीओ पंकज कुणाल, प्रमुख अंजना देवी, उप प्रमुख तरन्नुम वासुदेवपुरम, पंचायत के पंचायत समिति सदस्य अशोक यादव सहित सभी पंचायत समिति सदस्य मौजूद हैं। इस दौरान प्रखंड के सभी मुखिया मौजूद रहे। ग्राम पंचायत बेलतू के मुखिया विश्वनाथ महतो, ग्राम पंचायत कस्बा खेरही के मुखिया पिंकी देवी, ग्राम पंचायत मकनपुर के मुखिया पिंटू दास, ग्राम पंचायत खन्नत के मुखिया हसीन अख्तर, ग्राम पंचायत खुलनी के मुखिया लक्ष्मी देवी अग्रवाल, ग्राम पंचायत दरियापुर आलोक कुमार, ग्राम पंचायत भुलनी के मुखिया ब्यूटी कुमारी, ग्राम पंचायत पैरेड मैनियल माल अमरजीत कुमार, ग्राम पंचायत वासुदेवपुर के मुखिया गुड़िया कुमारी, ग्राम पंचायत अम्बा के मुखिया राकेश कुमार उप बबलू, ग्राम पंचायत हाजीपुर के मुखिया उत्तम शाह सहित सभी मुखिया गण मौजूद रहे। देश की अपने प्रदेश की ताजा खबरें देखने के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान न्यूज़ 24।